स्पष्ट रूप से कहा था कि चाहे नगर आयुक्त हो या उसके अदर के फील्ड ऑफिसर हो, सबको कम से कम 1 से 2 घंटा फील्ड में रहना है, लोगों के जो समस्याएं हैं उसको भी समझना है, और साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब तक आप खुद मूव नहीं करेंगे सिस्टम दुरुस्त नहीं रहता है। तो मेरा मानना है कि उसकी पूरी तरह से नगर आयुक्तों को निर्देश दिया गया है। इसी तरह का एक कार्यपालक पदाधिकारी जो नगर परिषद और नगर पंचायत में है उनको भी अगले 1 हफ्ते के अंदर बैठक करके उनको भी पूरी तरह से निर्देशित किया है। अब आज कुछ बोलेंगे कल वो क्या बोलेंगे तो उनके बयान पर कोई भी टिप्पणी करना मेरा मानना है कि अभी भी नासमझी होगी। और प्रशांत किशोर ने कभी भी अपने स्टैंड को क्लियर नहीं किया, दिन के उजाले में कुछ कहते हैं और रात के अंधेरे में कुछ, काफ़ी समय तक उसके रहे हैं। जहाँ जहाँ कमियाँ थी उसको जाँच के आदेश देने चाहिए थे, लेकिन अगर अभी जो ये घटनाएँ घटी हैं इस पर निश्चित रूप से सरकार ने संज्ञान लिया है, करीब कई अभियंताओं को निलंबित भी किया गया है और जो भी इसमें दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा और स्पष्ट रूप से उन पर कार्रवाई। देखिए आज तक ये जो कानून पुराने कानून थे 40 साल 50 साल पुराने धाराओं में, और कहीं ना कहीं नए कानून से जो नए स्वरूप में लोगों को न्याय मिल पाएगा, लोगों को न्याय की प्रक्रिया को त्वरित किया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात है जो कई चीज़ें जो पुराने कानून अप्रासंगिक होते जा रहे थे उनको भी कहीं ना कहीं नए कानून के तहत उसको प्रासंगिक किया जा सकेगा। तो मेरा मानना है कि आज देश की जनता को न्याय का साथ जो हमारा संकल्प रहा है कि हम पूरी तरह से देश को न्याय के साथ जोड़कर काम करेंगे, विकास की योजनाओं में लेके जाएंगे, आज एक हम कह सकते हैं सुनहरा दिन है जो इस देश में संविधान और हमारे भीमराव अम्बेडकर जी की जो सपना था, जो कल्पना था, जो उसको कल्पना को साकार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। प्राधिकरण पे लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, उसके फर्स्ट फेज सेकंड फेज इस तरह से उसको डिवाइड किया गया पटना के लिए, और साथ ही साथ नए मेट्रो के विकल्पों पर भी विचार किया गया जिसकी सैद्धांतिक सहमति राज्य सरकार ने दे दी। अब हम लोग का पटना मेट्रो जिसको हम लोगों ने टारगेट लिया है फर्स्ट फेज के लिए वो 26 का है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको और जल्दी जनता के लिए सुलभ किया जा सके। नितिन नवीन जी, पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।